नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव। मैं आप लोग का दोस्त वैद्य मनोज सिंह मौर्या आप लोगों के बीच एक आज अद्भुत पौधा लेकर के आऊँगा जिसे चमत्कार ही समझें। आज तक बहुत से लोग उसको कचरा समझते आए हैं, लेकिन मैं आज उसका नाम पत्ता डंठल उस पौधे का पंचांग मैं दिखाऊंगा आप लोगों के बीच, और कुछ उसका खासियत है वो भी बताऊंगा। तो जो भी भाई बंधु हमारे इस चैनल पर नए हैं आयुर्वेदिक जंगल परिचायिका में, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को दबा दें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर भी ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे परिचित हो सकें। चलिए मैं आप लोग को लेकर के चलता हूँ। तो अतिबला के फायदे, औषधीय गुण, लाभ और नुकसान, इससे मैं आपको परिचित कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें। अतिबला में पीले रंग के सुंदर पुष्प वाला एक पौधा है जिसका इस्तेमाल अनेक प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का इलाज करने के लिए किया जाता है। अतिबला पीले फूल वाला एक बेहद ही सुंदर पौधा होता है। इसके पत्तों का स्वाद हल्का तीखा व कड़वा होता है। इसे कंघी के नाम से भी जाना जाता है। अतिबला में अनगिनत स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए जाते हैं और हजारों सालों से आयुर्वेद में कई प्रकार की दवाएं बनाने के लिए अतिबला का इस्तेमाल किया जा रहा है। अतिबला पौधे के पत्तों, फूल और बीज में कई अलग अलग प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए जाते हैं, और इसलिए इसका इस्तेमाल एक घरेलू उपचार के रूप में भी किया जाता है। आजकल मार्केट में अतिबला के पत्तों का चूर्ण, रस और बीज आदि आसानी से मिल जाते हैं। तो अतिबला के कुछ गुण व औषधीय फायदे मैं आपको बताता चलूँ। अतिबला के बीजों में बवासीर के लक्षणों को कम करने वाले खास गुण पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से घाव जल्दी ठीक होने लगता है और दर्द भी कम हो जाता है, जो बवासीर में बेहद उपयोगी होता है। और मैं बताता चलूँ, यह शुगर में भी बहुत बढ़िया काम करता है। अतिबला शरीर में जाकर एक एंटी डायबिटिक कंपाउंड का काम करता है। इसके पत्तों का सेवन करने से शरीर इंसुलिन बनाने के लिए उत्तेजित हो जाता है, जिससे रक्त में शर्करा का यानी चीनी का स्तर कम हो जाता है। तो दोस्तों, तो मैं आगे भी इसका परिचय बता दूं। आयुर्वेद के अनुसार अतिबला के पत्तों व जड़ों में खास प्रकार के तत्व होते हैं जिनसे पथरी बनने की समस्या कम हो जाती है। इन तत्वों के प्रभाव से पथरी पेशाब में घुलने लग जाती है और धीरे धीरे शरीर से बाहर आने लगती है। अतिबला में बलगम को पतला करने वाले गुण भी पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से खांसी के साथ अंदर जमी बलगम यानी कफ बाहर निकल जाता है और रोग का जड़ से इलाज हो जाता है। हालांकि अतिबला से प्राप्त होने वाले उपयुक्त लाभ प्रमुख रूप से पारंपरिक चिकित्सा विधियों और कुछ अध्ययनों पर आधारित है। इसका प्रभाव हर व्यक्ति के शरीर पर अलग अलग हो सकता है। तो अब समस्या आती है कि अतिबला का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। अतिबला का इस्तेमाल काढ़ा बनाकर भी कर सकते हैं, पत्तों के चूर्ण को गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं, पत्तों के रस को गर्म पानी के साथ ली जा सकती है, जड़ छाल या पत्तों का लेप त्वचा पर लगाया जा सकता है। हालांकि आपको किस प्रकार की कितनी मात्रा में अतिबला का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी वैद्य से या डॉक्टर से, अच्छे चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। अतिबला के कुछ नुकसान भी हैं। अतिबला का एक दवा के रूप में सेवन करना आमतौर पर सुरक्षित रहता है, लेकिन
इसका अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने से यह शरीर में विषाक्त प्रभाव पैदा कर सकता है और इसके निम्न स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना या चक्कर आना, सीने में जलन होना, उल्टी या मितली होना, गर्भवती या अन्य रोगियों को अतिवला से कुछ अलग व गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही काम आएगी और आगे भी काम करेगी। तो दोस्तों मित्रों, मेरा एक अनुरोध है कि जो भाई बंधु मेरे वीडियो को सबसे पहले देख रहे हैं, कृपया हमारे इस चैनल आयुर्वेदिक जंगल व आयुर्वेदिक जड़ी बूटी को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं और इस जानकारी को आगे भी शेयर करें ताकि आगे भी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों मित्रों, आपके क्षेत्र में इस वनस्पति को किस नाम से जाना और पहचाना जाता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें और आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो चलता हूं और आप लोगों के समक्ष कल एक और वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।